साथियों, ये बात करुणा रस से भरी हुई, हृदय स्पर्शी और दिल को दहला देने वाली बात, और मौका होगा राजा हरिश्चंद्र तारावती के प्रसंग से कि जब राजा हरिश्चंद्र साफ मना कर देते हैं रानी तारावती को कि बिना कर दिए ही इस मुर्दे को यहां पर नहीं फूंका जाएगा। साथियों, रानी तारावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी कंठी अपने चीर को राजा हरिश्चंद्र के हाथों सौंप देती है और कहती है कि जाओ, तुम्हारा जो मालिक है काले, उससे जाकर गुहार करो कि इस तरह से एक दुखियारी अपने इकलौते लाल को शमशान घाटों में लिए हुई बैठी है। साथियों, रानी की बातों को मानते हुए राजा हरिश्चंद्र उस कंठी और चीर को लेके चले तो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर वापस जब लौट के आते हैं तो दूर से रानी तारावती उस दृश्य को देखती रहती है कि राजा हरिश्चंद्र वापस इस चीर और कंठी को लेके आ रहे हैं, शायद उनके मालिक काले ने हमारी इस बात को नहीं माना है। साथियों, आंखों में आंसू है, दिल में हजारों तरंग की भावनाएं तरंगे उठ रही हैं। साथियों, के चिसार ने लिखा है कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। संजय शर्मा अपने मुखारविंद से इस रागिणी को लेकर किस तरीके से बोला, पड़ी काले ने कर दी के मनाई, कर दी के मनाई, हो चीर लता देखिया राजा और रानी घबराई, सोच में पड़ी काले ने कर दी के मनाई।
की